वेलकम बैक दोस्तों, आज हम जिस न्यू एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है SMK, ऐसे एप्लीकेशन का नाम हो जाता है। इस एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन बोनस आपको 30 रुपीज़ मिलेगा। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आपको कैसे वर्क करना है, मिनिमम विड्रॉल कितना है, GST किस नहीं लगने वाली है, आगे आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, मैं जो एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू देता हूँ, आपको रियल रिव्यू आपको देता हूँ और यही कोशिश करता हूँ आपको एप्लीकेशन अच्छी एप्लीकेशन ही आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर एंटर करके पासवर्ड क्रिएट करके आपको यहाँ पर साइन इन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और एग्री इन विच इस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों, आप जैसे एप्लीकेशन में एंटर करेंगे आपको ऐसे इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए एक्टिविटीज है, कस्टमर केयर और इनवाइट सिस्टम, ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंपल सा आपको आइटम में जाना है, जैसे आइटम पर क्लिक कर देंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 30 रुपये जो फ्री में मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद आपको जैसे इस पर क्लिक कर देंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर से आपको इन्वेस्टमेंट पे जाना है और यहाँ पर आपको दो माध्यम दिएगा, किसी टाइप को आपको क्लिक करके कन्फर्म टू इन्वेस्टमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से आपको क्लिक करके आपको रिसीव कर लेना है। और दोस्तों, मैंने इसको क्लिक कर लिया है, तो एक ही बार इसको आप रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद आपको टास्क में जाना है। टास्क में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी आप इनकम होगी यहाँ से आपको टास्क कंप्लीट कर लेना है। तो आपको 30 रुपये फ्री वाला जो टास्क है आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपको टास्क कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद माई ऑप्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पर 30 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख अवेलेबल बैलेंस 30 रुपीज़ है, ऐसे आपको भी मिलेगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लान देखने को मिल जाएगा। फिर से हम आइटम में जाते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ये 300 रुपीज़ वाला प्लान है। 300 रुपीज़ वाला प्लान में आपको डेली 130 रुपीज़ मिलने वाला है, 3 दिनों में आपको 390 रुपये रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें GST 15% लगने वाला है। दोस्तों, अगर ये वाला प्लान लेते हैं तो 390 इसमें मिलेगा, प्लस जो साइन अप बोनस मिला करके आपको 420 रुपीज़ की टोटल आपको रिटर्न मान लीजिए मिलेगा। इसमें आप 15% टैक्स कट देंगे तब भी आपको कम से कम मान लीजिए 40 से 50 रुपीज़ की इनकम होगी ये वाला प्लान के साथ। टैक्स दोस्तों इसमें ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पर जैसे BST पर 2 वाला प्लान लेंगे, जैसे आप 1200 रुपीज़ वाला प्लान लेते हैं, 1200 रुपीज़ वाला प्लान में आपको डेली 50 रुपये मिलेगा। इसका मिनिमम विड्रॉल 270 के लगभग है, तो आगे आपको बताऊंगा इसमें कितना विड्रॉल लगने वाला है। ये वाला प्लान लेते हैं आप, डेली 50 रुपये मिलेगा, 180 दिनों तक इसकी वैलिडिटी दी हुई है। टोटल आपको 9762 ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे आप 3000 वाला प्लान लेते हैं, 3000 प्लान में आपको डेली 130 रुपीज़ की इनकम होने वाली है और इसमें इसका भी वैलिडिटी 180 दिनों तक दी गई है। अगर आप ये भी प्लान लेंगे, ये वाला प्लान भी लेंगे, तो इसमें आप डेली विड्रॉल नहीं कर सकते, 3 दिनों के बाद ही विड्रॉल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मिनिमम विड्रॉल 270 के लगभग है। तो आप अगर ये वाला प्लान लेते हैं, 3000 वाला प्लान भी लेते हैं, तो आपको तीसरे दिन ही आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ BIP 4 वाला देखने को मिल जाएगा। लास्ट इसका जो प्लान दिया गया BIP 4 तक का ही दिया गया है। जिससे आप 6200 रुपीज़ वाला प्लान लेते हैं, इसमें आपको 270 रुपीज़ की डेली इनकम होने वाली है। ये वाला प्लान में डेली विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका फिक्स्ड दिया है 270 रुपये, 270 रुपये इसमें मिनिमम विड्रॉल भी है। तो अगर ये वाला प्लान 6200 रुपीज़ वाला प्लान अगर लेते हैं कोई, तो आपको 270 रुपीज़ की इनकम होने वाली है, जिसमें आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इनकम रिसीव करने के लिए दोस्तों आपको टास्क में ही जाना पड़ेगा। टास्क में जाने के बाद आपको अपनी इनकम आपको रिसीव करना नहीं भूलना है, एक ही दिन आपको मिस नहीं करना है। इसके साथ आपको यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर, आपको जो कस्टमर जो सर्विस यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपको इनका कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा, इनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं, ऑफिशियल चैनल भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका पेमेंट वेरीफाई है, आप यहाँ पर इनके वहाँ पर जाएंगे, जैसे आप ग्रुप में जाएंगे आपको वहाँ से पेमेंट आपको देखने मिल जाएगा। पेमेंट तो दोस्तों इसका वेरीफाई है। इसके बाद टीम में जाने के बाद आपकी जो भी टीम होगी यहाँ से आपको देखने की मिल जाएगी। आप यहाँ से Level 1, Level 2, Level 3 से आपको कमीशन मिल सकता है, आप यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर टीम आपको क्लिक करके आपको दोस्तों को यहाँ से आप अपने लिंक शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मोबाइल ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से अपने बैंक की जानकारी को फिल कर लेना है। जैसे आप बैंक पर जाएंगे, आपको पहले अपना बैंक चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंक देखने की मिल जाएंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपना बैंक चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना वो सोचना है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन होता है वो उसमें रिस्क तो रहता है, ऑनलाइन अर्निंग है, अगर आप उसमें रिस्क तो रहता है, तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वही लोग ऑनलाइन अर्निंग में इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। अगर जिनको डर लगता है दोस्तों, वो ऑनलाइन अर्निंग से दूर रहें। अपना यहाँ पर अपना रियल नेम ले करके और बैंक अकाउंट IFSC एंटर करके आपको यहाँ से बैंक आपको
ऐड कर लेना है। सिंपल सा पेट्रोल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा मिनिमम पेट्रोल कितना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम पेट्रोल इसका 270 रुपीज है और यहाँ पर आपको टैक्स 15% टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर अपना अमाउंट ऐड कर देना है, इसके बाद जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर आपको क्लिक करके आप पेट्रोल पर क्लिक कर देंगे, आपका बैंक में आपके अमाउंट आपको 24 घंटे 48 आवर के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मेंशन दिया गया है, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन की यहाँ से आप अपनी ऐड कर सकते हैं। जो भी पेट्रोल हिस्ट्री होगी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ से पेट्रोल करेंगे आपका पेट्रोल का हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं। कस्टमर केयर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का सिस्टम यहाँ पर पाइप के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं कि नहीं है कि नहीं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अभी एप्लीकेशन डाउनलोड का सिस्टम नहीं है, आपको वेबसाइट में ही वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने एप्लीकेशन संबंधी आपको पूरी जानकारी दे दिया है, और भी जानकारी लेना चाहते हैं आप कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। तो आगे इस एप्लीकेशन का जो भी अपडेट होगा दोस्तों मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम में एक्टिव रहेंगे तो आपको वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइप के साथ।